सो फ्रेंड कैसे हैं, आई होप लोग कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड आज की वीडियो में कुछ मैं आपको अलग सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं एक ही वीडियो ऐसे टिकटॉक बनाते बनाते लोग कहते हैं भाई कुछ अलग बनाओ। तो एक बंदे ने हमें कमेंट किया कि सर अपने वीडियो में क्वालिटी कुछ अच्छे प्रोफेशनल लुक देखने के लिए। तो सो फ्रेंड आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपने वीडियो में सिनेमैटिक ब्लैक बार कैसे लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ हम लोग की वीडियो ऐसे ओपन होती है तो देखने में कितना लुक अच्छा रहता है और लोग देखते हैं तो प्रोफेशनल लुक और क्वालिटी में वीडियो हम लोग की दिखती है। तो मैं ये सिनेमैटिक ब्लैक बार आपको लगाना सिखाऊंगा। सो फ्रेंड इसको बनाने के लिए, सिनेमैटिक बार लगाने के लिए आपको दो ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, पहला तो पिक्सल लैब और दूसरा तो काइन मास्टर। तो सो फ्रेंड मैं दो तरह से बनाना आपको सिखाऊंगा, जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप बनाना सीख जाइएगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पिक्सल लैब ओपन करने के बाद यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे न्यू टेक्स्ट को, तो डिलीट यहाँ पर ऑप्शन बना इस पर कर देंगे। फिर उसके बाद थ्री डॉट पर जाएंगे और यहाँ से इमेज साइज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमें वो वाला ले लेंगे यूट्यूब थंबनेल वाला, तो इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये हो गया। फिर इसके इस वाले ऑप्शन पर चलेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट ले लेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस वाले आइकन पर चलेंगे और यहाँ से शेप वाले पर चलेंगे और जाने के बाद इसको सिनेमैटिक हमको बनाना है सिनेमैटिक बार। तो यहाँ तो इसको करने के बाद इसको यहाँ से अच्छे से इसको हम कर लेंगे और यहाँ से इसको करने के बाद यहाँ से ब्लैक कलर का ले लेते हैं सिनेमैटिक बार। तो देख सकते हैं यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको ले लेते हैं। तो देख सकते हैं लेने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद इससे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो फिर हमारे हमारा ये हो गया, फिर इसको भी हम नीचे ऐसे थोड़ा कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ से नीचे करने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पर जाएंगे और एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अल्ट्रा पर कर जाके सेव कर देंगे, सेव टू गैलरी। तो देख सकते हैं हमारा ये हो गया। सो फ्रेंड उतना करने के बाद हमें काइन मास्टर ओपन करना है, तो चलिए प्लस वाले आइकन पर चलेंगे और 16:9 रेशो पर क्लिक करेंगे। करने के बाद हमें कोई वीडियो ले लेंगे जो कि अच्छा रहे, वीडियो अच्छी क्वालिटी में रहे, तो मीडिया में चलेंगे। तो मैं उसको डाउनलोड किया हूँ, तो आप भी कोई वीडियो ले लीजिएगा बोलेंगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो यहाँ से करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये वीडियो है, तो वीडियो पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और इसको इनेबल कर देंगे तो बैकग्राउंड में हमारा धुंधला दिख जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा से ये हो गया। फिर उसके बाद जो हम पी सेट बनाए हैं ट्रांसपेरेंस वाला, उसको हम ले लेंगे। तो लेयर के ऑप्शन में चलेंगे, मीडिया में चलेंगे, तो उसको मैं बनाया हूँ पिक्सल लैब में जाके मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो देख सकते हैं तो ये ले लिया हूँ, फिर यहाँ पर इस पर करके इस पर कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ से ये हो गया। फिर उसके बाद इसको इस साइज में हम कर लेंगे। सो देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये हो गया, ओके पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का ये बन के तैयार हो गया। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का हम लोग का सिनेमैटिक बार लग गया, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड ये तो पहला तरीका है और मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ उसको कैसे करना है। तो सो फ्रेंड दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको सिनेमैटिक ब्लैक बार के लिए। तो प्लस आइकन पर चलेंगे और 16:9 रेशियो पर क्लिक करेंगे। जो मैंने वीडियो लिया था पिक्सल लैब वाले में वाला, फिर से वो वीडियो ले लेते हैं। सो फ्रेंड इसको लेने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वीडियो पे क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देंगे ये वाला को। तो देख सकते हैं हमारा कुछ लुक बन जाता है। करने के बाद लेयर के ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ से मीडिया में जाके ब्लैक कलर का बार ले लेंगे यहाँ से। सो फ्रेंड इसको लेने के बाद इसको हम जूम कर लेंगे। सो फ्रेंड इसको जहाँ से इसको कर लेंगे यहाँ से आधे पे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पर जाएंगे और डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ये हो गया। फ्रेंड फिर यहाँ से इसको हम नीचे कर लेंगे यहाँ से इसको, तो कुछ इस तरह का हम लोग का लुक आ गया। सो फ्रेंड उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं और इसको वीडियो की साइज में हम इसको कर लेंगे। तो हम लोग की वीडियो कुछ बड़ी है तो इसको हम छोटा कर लेंगे, कैची के ऑप्शन में चलेंगे और यहाँ से ट्रिम टू राइट पर क्लिक कर देंगे तो हम लोग की वीडियो छोटी हो गई है। सो फ्रेंड इसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम जूम कर लेंगे यहाँ से। सो करने के बाद यहाँ से इसको भी हम कर लेंगे वीडियो की साइज में, देख सकते हैं ओके पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये कुछ ही हो गया। सो फ्रेंड इसके लिए चाबी वाले आइकन पर चलेंगे और जाने के बाद इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐसे जाने के बाद यहाँ पे चाबी पर क्लिक करेंगे और इसको हम नीचे कर लेंगे इतना, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। फिर इसे ऐसे जैसे कि हाँ फिर उस पर करना निचले वाला पे, तो इस पर क्लिक करता हूँ, चाबी वाले आइकन पर जाता हूँ और नीचे जाके यहाँ से
इसको फिर से कर दे रहा हूँ। यहाँ से करने के बाद चाबी वाला आइकन पे जाऊँगा और यहाँ से करने के बाद इसको फिर से उस वाले सेप में कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये हो गया। सो करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे और सो फ्रेंड हम लोग का ये बन के तैयार हो गया। देख सकते हैं कुछ स्टाइलिश में ऐसे खुलेगा, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट कर दे रहे हैं, तो चलिए लेयर के ऑप्शन में चलते हैं। तो टेक्स्ट में ये लिख दे रहे हैं सिनेमैटिक ब्लैक बार, तो चलिए लिख दे रहा हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे इसको हम कर लेंगे अच्छे से इसको जूम। जूम करने के बाद यहाँ से हम पी सेट ले लेंगे जो हमको अच्छा लग रहा है, तो ये वाला हमको अच्छा लग रहा है। इस पर लेने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा ये हो गया। सो फ्रेंड इसको लेने के बाद यहाँ से इसको हम ले लेते हैं इन एनिमेशन में, ये वाला हम ले लेते हैं टाइप वाला जो कि बहुत अच्छा ही लगता है। तो अब इसको ले लीजिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ से कितना लिख रहा है। तो इसको हम थोड़ा ऐसे कर दे रहे हैं, स्लो कर दे रहे हैं, ऐसे लिखेगा तो अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड इसके बाद इसको हम यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं, तो आप भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं एक बार चला के दिखा दे रहा हूँ कैसा ही हम लोग का वीडियो बना है। तो देख सकते हैं कितना स्टाइलिश में ऐसे ओपन हो रहा है और यहाँ पर ऐसे लिखता आ रहा है सिनेमैटिक ब्लैक बार। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड ये वीडियो बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। फिर उसके बाद शेयर के ऑप्शन में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से अपना रेस्यू मिला लेंगे। तो चलिए मैं इस वाले रेस्यू पर क्लिक करके यहाँ से करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ।